बस यानी आज का दिन पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हाउ हैप्पी आई एम. यू कैन सी, यू कैन रीड फ्रॉम माई फेस, यू नो. I'm like now I'm watching you guys and I'm getting a little bit nostalgic because एक ज़माना था जब मैं ऐसे आप लोगों की तरह रिपोर्टिंग किया करती थी, उन्होंने सारे मैडम्स और सर को पूछा करती थी, मैम आपको कैसी लगी फिल्म, कैसी लगी. सो आज ऐसा कोई मुझे पूछ रहा है तो ऑफकोर्स वो वाले दिन याद आ रहा है. खूब आवड़ता है, थोड़ी सेंटी होती है, मज़ा आती है, एंड आई एम एन्जॉइंग लाइक एनी. सी फिल्म्स, विद्या बालन जी का बहुत अच्छा डायलॉग है कि फिल्म तीन चीज़ों के लिए बनती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट. और आई थिंक ये फिल्म में आपको एंटरटेनमेंट देखने मिलेगा. मुझे ऐसा लगता है कि हमें, हम जब अपनी अपनी हमारी रोज़ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इतने थके हुए होते हैं कि हमें इतना टाइम नहीं मिलता है कि हर बार किसी फिल्म में जाके कोई थॉटफुल मैसेज हो तो ही हम जाएँ. कभी हम ऐसे ही इन्जॉय करने के लिए चले जाते हैं. सो आई थिंक फुगे ये फिल्म है जो आपको, फुगे मीन्स बलून, यानी फुगे जो आपको अलग अलग तरीके के बलून्स आपके लाइफ के फुलाएंगी, मोठे करेल आणि त्याला फुटवेल आणि ते फुगे तुमच्या आयुष्यात तुम्हाला खूप वरवर घेऊन जातील, असे अशी ती फिल्म आहे. सो तुम्ही सगळेच खूप एन्जॉय करा. बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. पर ट्रस्ट मी, आज मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे आई एम मिसिंग दिस लाइफ यार. ये भी फन था, यू नो, यहाँ पे है ही, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा, यू नो, आई थिंक प्रेशर ज़्यादा आ गया है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई है ऐसे लगता है. बिकॉज तब ऐसे लगता था अब सबको एंटरटेन करना है, तो अगर जिम्मा मैंने उठाया है तो ऐसे लगता है उसमें मैं फुलफिल होनी चाहिए, तो उसका थोड़ा डर लगता है. बट आई एम मिसिंग दिस लाइफ, सो या इट्स फन. क्या होता ना, हर बार लोग मेरे, यू नो, यू लुक प्रिटी, आप अच्छी दिख रही हो, आपने ये किया, ऐसे सब बहुत बोलते हैं. लेकिन जब आपको, आई थिंक आपको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलता है, स्टेट अवार्ड, उस दिन आपको लगता है कि यस, आपने कुछ अचीव किया. और मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का स्टेट अवार्ड मिला फॉर बेस्ट एक्ट्रेस मितवा के लिए. सो आई थिंक मुझे महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र ने मुझे इतनी बड़ी कॉम्प्लीमेंट दी है दैट आई एम अ गुड एक्ट्रेस. सो यस, दैट इज़ दी बिगेस्ट थिंग आई थिंक. बॉलीवुड में मैंने अभी एक फिल्म की थी, वजह तुम हो नाम की, जिसमें मैंने बहुत ही छोटा सा रोल, गेस्ट अपीयरेंस किया था. लेकिन अफकोर्स करना चाहूँगा, अफकोर्स यानी हम सबका ही ख्वाहिश होती है कि हमें बॉलीवुड में आना है. लेकिन आई एम एन्जॉइंग दिस वर्क, सो